Hello friends, welcome back to the Core Chemical Engineering channel. In this video, I'll discuss about pump in series and parallel operations for centrifugal pump. So basically, इस video में हम discuss करेंगे, suppose आपके कोई दो pump centrifugal pump है, उसको अगर हम series में connect करेंगे, तो उसका head और flow rate पे, capacity पे क्या impact पड़ेगा? And the second thing, अगर हम उसको दो pump को parallel में connect करेंगे, तो उसका head और फ्लो रेट आई मीन कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट करेगा ओके okay? और कौन कौन से कंडीशंस में हम इसको सीरीज या पैरेलल पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं ओके सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल पंप इन सीरीज ओके. सो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द डिस्चार्ज ऑफ वन पंप इज कनेक्टेड टू द सक्शन साइड ऑफ द सेकेंड पंप ओके. सो केस गिवन हियर इज एक सपोज आपका ये फर्स्ट पंप हो गया राइट ये आपका हो गया है सक्शन. नाउ द डिस्चार्ज ऑफ फर्स्ट पंप मस्ट बी द सक्शन ऑफ द ओके सेकेंड पंप ओके. ये हो गया आपका पंप इन सीरीज. तो इसमें क्या है ईच पंप इज पुटिंग एनर्जी इनटू द पंपिंग फ्लूड सो द रिजल्टेंट हेड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल हेड्स. सपोज इस पंप के द्वारा जो हेड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है डेल्टा एच वन ओके. नाउ द हेड प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड पंप सेकेंड सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डेल्टा एच टू. देन द रिजल्टेंट हेड वुड बी रिजल्टेंट हेड would be delta H1 plus delta H2 if we connect the two centrifugal pumps in series. तो दो centrifugal pump को अगर हम series में connect करते हैं तो जो उसका delta H आता है वो sum of the individual heads produced by the pumps okay sum of the individual heads. तो यहाँ पर इवन इन ग्राफ में भी आप सकते हैं ये y axis पे क्या है आपको head represent किया और x axis पे flow rate capacity. So H1 क्या है हेड प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पंप. टू पंप्स हैं और सेम सपोज हेड आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो जो नेट डेल्टा H आएगा वो आएगा सम ऑफ द इंडिविजुअल. तो डेल्टा H1 H1 प्लस H1 और दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप सेम है दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप सेम है तो जो डेल्टा H आएगा आपका टू टाइम्स H1 आएगा. सो डबल होगा एक जो डेल्टा एच आ जाएगा आपका वो डबल होगा सिंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप के हेड के ओके. और ये क्या है आपका सिस्टम कर्व है और ये क्या है आपका हेड डबल. तो पहले अगर एक ही पंप ऑपरेट करेगा तो उसका ऑपरेटिंग कंडीशन क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट ये होगा सिंगल पंप ऑपरेटिंग पॉइंट. अगर दो डेल्टा एच दो सेंट्रीफ्यूगल पंप को कनेक्ट किया तो उसका हेड का जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा ओके. तो इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट बनेगा यहाँ पे आएगा ये सिस्टम कर्व हो गया या आपका परफॉर्मेंस कर्व हो गया. तो ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट बनता है फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप ओके. और इसमें भी अगर आप ग्राफ में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो जब मैक्सिमम आपका फ्लो होगा सपोज क्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे क्या है डब्ल्यू विल बी जीरो हो जाएगा. तो ये हो गया आपका पंप इन सीरीज. नेक्स्ट थिंग पंप इन पैरेलल ओके. नाउ व्हेन वी कनेक्ट pumps are operated in parallel when two or more pumps are connected to a common discharge line and share the same suction. तो same suction इनको share करते हैं. Suppose ये आपका suction हो गया right? Same suction. ये हो गया एक pump का आपका suction. Same suction आपको बनाना तो ये हो गया आपके दूसरे pump का centrifugal pump का suction. और इनका जो discharge आ रहा है आपका दोनों का वो क्या एक कॉमन हेडर में कनेक्ट होके नेट रिजल्टेंट डिस्चार्ज आपका यहाँ पे बन रहा है ओके. तो ये क्या हो गया सक्शन एंड दिस वन इज डिस्चार्ज. तो इस वाले केस में क्या होगा यहाँ पे सिमिलरली वाई एक्सिस पे हेड और एक्स एक्सिस पे ये हो गया. तो यहाँ पे जो आपका हेड जो रहेगा दोनों पंप का रिजल्टेंट हेड वो क्या है सेम ही रहेगा. सिंगल पंप का हेड का आपका परफॉर्मेंस कब ऐसा आएगा और सिस्टम कब ऐसा आएगा. लेकिन दोनों पंप को आपको कनेक्ट कर देंगे तो हेड तो क्या होगा आपका सेम ही रहेगा बट उसका क्या होता है फ्लो रेट बढ़ जाएगा
क्योंकि रिजल्टेंट फ्लो रेट आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, टू टाइम्स होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, टू टाइम्स से इसका रिजल्टेंट डिस्चार्ज कम होता है। ओके, तो ये दो पंप्स, जब सिंगल पंप है तो उसका ये हो गया आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, वन टू पंप्स आर इन पैरेलल तो ये हो गया 0.3, हो गया आपका क्या हो गया ये ऑपरेटिंग पॉइंट। और आपका जो नेट आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका फ्लो, इतना आपका कैपेसिटी फ्लो रेट और बढ़ जाता है, मतलब आपका जो वॉल्यूम डिस्चार्ज आता है वो दो पंप को अगर पैरेलल में रखेंगे तो जो वॉल्यूमेट्रिक आपका डिस्चार्ज आता है वो ज़्यादा आएगा। आइडियली शुड बी, आई मीन टू से इट शुड बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द सिंगल पंप, बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन लॉसेज इट विल बी लेस देन द टू टाइम्स। ओके, नाउ विल डिस्कस पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द पंप्स इन सीरीज और पंप्स इन पैरेलल। तो कौन कौन से पॉइंट हमको रिमेंबर करना, मतलब हमें ध्यान में होना चाहिए उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने से पहले। सो विल डिस्कस वन बाय वन। तो पहले, सबसे पहले पंप्स इन सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है, बोथ पंप्स मस्ट हैव द सेम विड्थ इम्पेलर और एल्स द डिफरेंस इन द कैपेसिटी कुड कॉज अ कैविटेशन प्रॉब्लम इफ फर्स्ट पंप कैन नॉट सप्लाई इनफ लिक्विड टू द सेकेंड पंप। तो वही बात हो गया आपका, अगर इनफ दो पंप आपके बन गए, ओके, और इसका ये डिस्चार्ज हो गया और यहाँ पे जो आपका फ्लो, आपका जो सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, ओके, कैपेसिटी का, ये जितना सक्शन रिक्वायर्ड है उससे कम आएगा, तो क्या होगा, कैविटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखा कि दोनों पंप के इम्पेलर का जो विड्थ होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ना बोथ पंप मस्ट रन एट द सेम स्पीड, तो RPM दोनों पंप का सेम होना चाहिए। थर्ड थिंग, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, थर्ड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, बी श्योर द केसिंग ऑफ द सेकेंड पंप इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द हायर प्रेशर, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज होगा वो हाई, इसका सक्शन प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसका जो डिस्चार्ज होगा ज़्यादा होगा, तो इसका जो आपका केसिंग होगा, ओके, तो केसिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस वाले प्रेशर को, फर्स्ट पंप के डिस्चार्ज के प्रेशर को भी विदस्टैंड कर सकें, ओके, और मैकेनिकल सील इसलिए भी इसका ज़्यादा होना चाहिए। द स्टफिंग बॉक्स ऑफ द सेकेंड पंप विल सी द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द फर्स्ट पंप, वी मे नीड अ हाई प्रेशर मैकेनिकल सील। तो वही केस जो मैं पहले बताया कि हाई प्रेशर मैकेनिकल सील हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो सेकेंड पंप है इसके डिस्चार्ज प्रेशर को विदस्टैंड करना होगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज स्टार्ट द सेकेंड पंप आफ्टर द फर्स्ट पंप इज रनिंग, मतलब हमें पहला पंप, क्या है, पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप को रन कर देना, उसके बाद ही सेकेंड पंप को स्टार्ट करना है। ओके, नाउ विल डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट द पंप्स इन पैरेलल एट दैट टाइम व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कीप इन माइंड, ओके, बिफोर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द पंप्स इन पैरेलल। सो फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज बोथ पंप मस्ट प्रोड्यूस द सेम हेड, दिस यूजुअली मीन्स दैट दे मस्ट बी रनिंग एट द सेम स्पीड विद द सेम डायमीटर ऑफ द इम्पेलर। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, टू पंप्स इन पैरेलल विल डिलीवर लेस देन द ट्वाइस द फ्लो रेट ऑफ द सिंगल पंप इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फ्रिक्शन इन द पाइपिंग, क्योंकि जैसे ही हमारा वेलोसिटी बढ़ता है, आपको पता है, या फ्लो बढ़ता है, आपका फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाता है, तो लेस देन टू टाइम्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जितना आपका डिस्चार्ज आता है। अ थर्ड पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इन पैरेलल आर यूज्ड टू ओवरकम लार्जर वॉल्यूम्स फ्लोज देन वन पंप कैन हैंडल। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इन पैरेलल में क्या डिस्चार्ज आपका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा देगा, तो ऑब्वियसली बात है सिंगल पंप से वो ज़्यादा देगा, तो वो बेनिफिशियल है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फॉर टू आइडेंटिकल पंप्स इन पैरेलल द हेड इज केप्ट कॉन्स्टेंट द फ्लो रेट अप्रॉक्सीमेट डबल्स। तो पॉइंट ये और ये लगभग सेम ही है, ये अप्रॉक्सीमेटली डबल्स हो जाता है आपका फ्लो रेट, बट एग्जैक्टली डबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेज। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट पंप्स इन सीरीज एंड पंप्स इन पैरेलल ऑपरेशन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच। सो इफ यू do like this video, please share and subscribe, and if you have any confusion and want to know more about, you know, anything regarding the chemical engineering or related to industry, you can put your comment in the comment box. Definitely I'll come with the solution or answers, I'll make the video for your answers. Guys, thank you so much, thank you for watching.